पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी रणनीति के बारे में बताया है। न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भगवंत मान ने दिल्ली और पंजाब के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर दी है, जो कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को हैरान करने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान। मान साहब, आप दिल्ली में रोड शो करने आए थे, आपको दिल्ली के उम्मीदवारों ने बुलाया था, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जो रोड शो आपको अकेला करना था उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ आ गए। क्या आपको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप रोड शो करेंगे, क्योंकि पूरा रोड शो की तैयारी आपके रोड शो की थी? देखो, आपने पहले ही सवाल उम्मीद का किया है, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो रोड शो तो मेरे दो दिन के लिए रखे हुए थे, तो उसमें अरविंद जी का आना हमें थोड़ा ये था कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो दिल्ली का प्रचार नहीं थमेगा। अगर वो आ गए तो उन्होंने इमीडिएटली, मेरे ख्याल में जेल से एक घंटा भी निकले हुए नहीं हुआ तभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कल मैं भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा। रोड शो आपका था? उन्होंने कहा कि भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा, क्योंकि रोड शो रखा हुआ था। एक एक पंजाबी में कहावत है, एक एक दो ग्यारह तो 2:11 हो जाए। तो मान साहब, आपने जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ की, आप लोगों ने एक कन्फ्यूजन फैला दिया है कि प्रधानमंत्री को लेकर कि वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी में गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि कोई पार्टी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि 75 के बाद रिटायरमेंट होगी। तो ये कन्फ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, जबकि बीजेपी में एनडीए में तो एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 में इनका अपना रूल है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। आनंदीबेन का बयान सुना होगा, इवन गृहमंत्री जी का बयान है कि हमारी पार्टी में 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जी जो माननीय स्पीकर रही हैं, तो उनको रिटायर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल बना लिया एक कि उसमें चले जाएंगे। तो जब अपने लिए मार्गदर्शक मंडल आ रहा है, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो कहते ना जी प्रधानमंत्री पे ये रूल लागू नहीं होता। तो हमने तो ये भी कहा था, इसका तो जवाब दे दिया, हमने ये भी कहा था कि योगी जी को इलेक्शन के 2 महीने बाद निपटाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो तो कन्फर्म है ना, इसके पक्ष में तो आ गए। मोदी जी खुद बोल दे, मोदी जी को खुद देश को बोलना चाहिए, लेकिन योगी जी इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी खुद बोल दें कि हाँ 75 साल वाला जो रूल है वो मेरे पे लागू नहीं होगा। तो मतलब हाँ, वो ये तो बहुत बात हो गई ना कि मंत्री के लिए कानून और संतरी के लिए कानून। और तो अब अपने लिए जब अपने पर आया तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा। जब किसी को निपटाना था आडवाणी जी को तो वो कानून ले आए, रूल ले आए। लेकिन आज आप लोगों ने 10 गारंटियां जारी कर दी। आप लोग पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर, 20 सीटें हुई, 2 सीटें गुजरात में लड़ रहे हैं, 1 सीट आप कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, 2 सीट असम की लड़ रहे हैं। तो इतनी कम सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और आप लोगों ने पूरे देश के लिए 10 गारंटियां दे दी। तो इंडिया आपको तो इंडिया गठबंधन का हम भी तो हिस्सा है, लेकिन खुद ही बोल दिया। लेकिन ये मंच तो आपका मंच था ना, आम आदमी पार्टी का मंच था। हम सब मिले हुए, सब पार्टियां, उसमें तेजस्वी जी की पार्टी है, कांग्रेस है, उसमें ममता जी की पार्टी है, उसमें अखिलेश जी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे जी माननीय फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उसमें अपना जो विजयन जी की पार्टी है। सबको आप तैयार कर लेंगे कि इन गारंटियों पे, शिक्षा पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे, राष्ट्रीय सम्मान पे कौन नहीं मानेगा? ये तो सबका होना चाहिए। ये तो हमारा मतलब, ये बातें अभी गारंटियों में कहनी पड़ रही है, ये तो पहले लागू हो जानी चाहिए थी, आजादी से के तुरंत बाद ये लागू हो जानी चाहिए थी कि सभी स्कूल, सभी अस्पताल, सभी लोगों को बिजली से, फंडामेंटल राइट है ये। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब पार्टियों से बात करेंगे। मान साहब,
दिल्ली में आप आते हैं, पंजाब दिल्ली के रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ आते हैं, जो कांग्रेस के नेता उनका समर्थन भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटें आप लड़ रहे हैं। पंजाब में आप कहते हैं 13-0 कर दूंगा, कांग्रेस को भी साफ कर तो देंगे वहां पे, तो 13-0 कहां जाएंगे फिर? नहीं, वहां पर आप कांग्रेस के नहीं, 13-0 जाएंगे कहां, 13-13 वो तो देश के लिए जाएंगे ना, इंडिया गठबंधन। मैं अभी भी कहता हूं जहां भी इंडिया गठबंधन का कोई बंदा है उसको जिताओ। आप सिर्फ कांग्रेस को मान रहे हो इंडिया गठबंधन। नहीं, कांग्रेस अगर जीतेगी तो वो सीटें भी तो इंडिया गठबंधन में जाएंगी, तो मैं जीतूंगा वो भी तो यहीं आएंगे ना। और पंजाब, तो आप चाहते हैं कि आप जीत के पंजाब की सीटें, पंजाब में कांग्रेस खत्म है नहीं, पंजाब में पहले ही 17 सीटें हैं, 17 में से भी इनका आपस में झगड़ा है, कोई ये ग्रुप है कोई वो ग्रुप है। पंजाब से 13 जीत कर देश के लिए दूंगा, संविधान बचाने के लिए दूंगा, पंजाब से 13 जीत कर गठबंधन के लिए दूंगा, लोकतंत्र बचाने के लिए दूंगा। लेकिन पंजाब के जितने नेता हैं, चाहे LOP हो या बाकी नेता हो, रोज आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगाते हैं। जो पहलवान हारता है ना, दो पहलवान कुश्ती करते हैं, जिसको पता होता है मैं हार रहा हूं, फिर वो क्या करता है, वो कभी वो काटने लगता है, कभी कान पर वो दंदी, कभी कोई हार तो रहा हूं, अब दाव पेच तो है नहीं, तो ऐसे गलत हरकतें करता, तो ये गालियां जो उठ के मुझे देते हैं कांग्रेस वाले पंजाब में, उनकी हिम्मत तो ये है नहीं कि हरा दे। तो मान साहब, एक चीज आपने कभी, क्योंकि आप पे रोज आरोप वहां पे वो लगाते हैं, क्या दिल्ली में जब आप आते हैं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आप रैलियों में भी जाते हैं, इंडिया गठबंधन के यानी बड़े नेताओं के साथ तो आपकी मुलाकात होती है, आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तो क्या वो जो पंजाब में जिस तरह की कटुता है वो एकदम ऐसा लगता है? बंगाल में भी तो ऐसा है ना। हाँ, तो कांग्रेस और ममता जी अलग लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो ममता जी बिल्कुल अलग, तो फिर सेम ही है। तो यहाँ हम, मैं यही कह रहा हूँ, कई समझौते लोकसभा के लिए, देश बचाने के लिए भी करने पड़ते हैं। हमने 3 सीटें दी ना इनको, अदरवाइज इनकी 15 में और 20 में एक भी MLA नहीं है, एक भी, लेकिन हमने 3 सीटें दी, लड़ लें, अच्छे अच्छे तरीके से लड़े, जीते, देश के लिए गठबंधन के लिए 3 सीटें बढ़ेंगी, 7 की 7 होगी तो 7 बढ़ेंगी। हम अपनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कल हम 2 पे गए थे, आज भी 2 पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।